वहीं मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित पाइप फैक्ट्री संचालक द्वारा किसानों का आम रास्ता रोक दिया गया है। यह आरोप किसानों ने ही लगाए हैं। किसानों का कहना है कि कई पीढ़ियों से यहां इनके खेत हैं, जो सालों से खेती करते आ रहे हैं और इस आम रास्ते से ही किसानों का आना जाना है, जो कि एकमात्र रास्ता है। इस पर फैक्ट्री संचालक ने गेट लगाकर रास्ता रोक दिया है, वही अतिक्रमण कर नाले को भी छोटा कर दिया है। ग्राम मोहम्मदपुरा के किसानों का कहना यह है कि इनका परंपरागत और रूढ़िगत रास्ता है, जिसको टेक्समो कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य करके उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस संबंध में मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। हमारे द्वारा मंगलवार को एक टीम गठित कर सीमांकन कर दिया जाएगा और सीमा चिन्ह लगाकर इनका विधिवत निरीक्षण कर लिया जाएगा। नहीं, इनका कहना यह पड़ रहा है कि सीमांकन दल के द्वारा सीमांकन किया गया था, पर इनका कहना पड़ा कि जो सीमांकन किया गया था वो उन जो निशानात लगाए गए थे उसको छोड़कर इनके द्वारा निर्माण टेक्समो कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है, उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए फिर से मैं खुद स्वयं यहाँ पर मौके पर उपस्थित रहूंगा और एक सीमांकन दल से सीमांकन है। ये हमारा सब खेती के क्षेत्र और इसमें 400-500 किसानों की खेती है और ये हमारी 5-6 को हमने पहला आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, उसके मार्फत कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को ऑथराइज किया। एसडीएम साहब का भी यहाँ विजिट हुआ है और एसडीएम साहब के अनुसार इसकी नपती हुई है, तहसीलदार की टीम द्वारा नपती हुई है। वो नपती की जो एंगल गाड़े गए थे, सीमांकन हुआ गया था, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है और उसको भी मतलब ध्यान में ना रखते हुए उसके भी आगे मतलब उन्होंने दीवार बनाना चालू कर दिया, जिससे कि पूरा रास्ता हमारा आने जाने का रुक जा रहा है। जबकि वो यदि वो एंगल के मार्फत बनाते तो उनकी जो फैक्ट्री की इधर वाली दीवार है उसके सिदान में दीवार बन जाती और हमारा आने जाने का 40 फीट का रास्ता, जो पूर्वजों का 200 साल पुराना हमारा ये रास्ता है आने जाने का। हमें 94 का आवेदन दिया है कि 94 हम निर्माण कार्य कर रहे हैं बाउंड्री वॉल और पुलिया का, इस तरह का आवेदन आया पंचायत में। तो आप लोगों को परमिशन पंचायत द्वारा दी गई है? अभी परमिशन हो गया, आवेदन दिया है उन्होंने। क्या था यहाँ पर पहले तो देखा ना, रास्ता था यहाँ से रास्ता जाने के लिए पैदल फिर गाड़ी का, नहीं कुछ भी नहीं, पंचायत द्वारा नहीं बनाया, नहीं पंचायत द्वारा कुछ भी नहीं, अपना स्वीकृत आवेदन बस आवेदन आया इनका। अभी अपन पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? वो अभी यहाँ चालू है कि भाई इनका जगह में बना रहे हैं या सरकारी में देखिए। हमारे सभी किसान यहाँ कम से कम 500 किसानों की खेती है और 500 किसानों की खेती आज से 200 से 250 वर्षों पूर्व से ही हमारा ये रास्ता है और फैक्ट्री मालिक द्वारा सबसे पहले उन्होंने एक गेट लगाया और बोला गया हमारे को कि भैया मैं मेरी सिक्योरिटी के लिए चोरी हो रही है तो मैं गेट लगा रहा हूँ, बाकी आपका रास्ता नहीं बंद करूँगा। और उन्होंने हमारे को आश्वासन दे करके फिर उसके बाद में एसडीएम मैडम, तहसीलदार, कलेक्टर मैडम सभी आए, उन्होंने हमारी नपती करवाई थी। वो नपती करवाने के बावजूद भी इन्होंने जो है नाले के पास में से दीवार और हमारा रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कल तहसीलदार को भी बुलाया, तहसीलदार ने देख कर उनका पूरा अवैध निर्माण चल रहा है। ये जो नाला था 180 फीट का नाला था और ये नाले के आज की दूरी हो गई है 30 फीट की और जो हमारा रास्ता था कम से कम 35 से 40 स्क्वायर फीट का, मतलब पूरा रास्ता था 40 फीट का, तो वो रास्ता उन्होंने पूरा रोक दिया और हमारे को जाने से यहाँ रोकते हैं और हमारे को धमकाते हैं उनके फैक्ट्री मालिक के मजदूर भी ये भी कि तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाओ मत और तुम्हारे को जो रास्ता है मैं एक रास्ता बना करके देता हूँ, कॉलोनी में से आना जाना करो।